श्री स्वामी समर्थम। चिड़िया और किसान मोटिवेशन स्टोरी है। चिड़िया और किसान क्यों पढ़े, ये स्टोरी हम क्यों पढ़े। कहते हैं कि दूसरों से आगे निकलना है तो दूसरों पर निर्भरता भी कम रखनी चाहिए। यह कहानी दर्शाती है कि अगर हम अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो उस काम की होने की संभावना 50 तक कम हो जाती है, जिससे हमारी सफलता भी आधी रह जाती है। यह कहानी आपको अनुभव कराएंगी कि कैसे हम अपनी सफलता को 100 तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। चिड़िया और किसान। एक चिड़िया ने एक खेत में फसल के बीच पेड़ पर घोंसला बना अंडे दिए, जिससे समय आने पर उन अंडों में से 2 बच्चे निकले। अब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुनने रोज जंगल जाती। इस बीच उसके बच्चे खेत में अकेले पड़ जाते। चिड़िया लौटी तो बच्चे बहुत खुश हो जाते और उसका लाया दाना खाते। एक दिन क्या हुआ पता है? एक दिन चिड़िया ने देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने बताया आज खेत का मालिक आया था। वह कह गया कि फसल पक चुकी है, कल बेटों से खेत की कटाई के लिए कहेगा। इस तरह वो हमारा घोंसला भी टूट जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे, बच्चों ने एक साथ कहा। फिर चिड़िया बोली, फिक्र मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। अगले दिन सच में कुछ नहीं हुआ और बच्चे बेफिक्र हो गए। एक हफ्ते बाद चिड़ियों को बच्चे फिर से डरे हुए मिले। बच्चों ने कहा, किसान आज फिर आया था, कह गया कि कल नौकर से खेत काटने को कहेगा। इस बार तो चिड़िया ने बच्चों से कहा, कुछ नहीं होगा, डरो मत। अगले हफ्ते बच्चों ने बताया कि किसान आज फिर आया था और कह गया कि फसल की कटाई में बहुत देर हो गई है, कल वह खुद ही काटेगा। यह सुनकर चिड़िया ने बच्चों से बोली, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं, कल खेत जरूर कट जाएगा। और वह बच्चों को तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस पर हैरान होकर बच्चों ने पूछा, माँ तुमने यह कैसे जाना कि इस बार खेत सचमुच कटेगा। चिड़िया बोली, बच्चों जब तक इंसान किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उसे संपन्न होने में संदेह लगता है, लेकिन जब वह उस काम को खुद से करने की ठान लेता तो उसे ज़रूर पूरा करता है। किसान ने जब खुद फसल काटने की सोची तभी तय हुआ कि अब खेत जरूर कट जाएंगे। कहानी से क्या सीख मिली दोस्तों हमें, कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं, किंतु यदि हम अपनी सहायता की संभावना को 100% रखना चाहते हैं तो उस काम की जिम्मेदारी भी हमें स्वयं ही लेनी होगी।